को देखिए एच टू बी टू सी टू डी किया है वो पूछा गया है। देखिए सबसे पहले एच टू बी इजिकल टू 1/2:3/8 है, तो एच टू बी किया हो जाएगा सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 8 × 1 = 8 हो जाएगा ए और बी हो जाएगा 6, को ऐसे ही रखेंगे ठीक है, इसको और नहीं तोड़ेंगे। ई इज टू सी क्या हो जाएगा, बी इज टू सी हो जाएगा 9 × यहाँ पर 3 × 5 = 15 ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 × 5 हो जाएगा। सी इज टू डी क्या हो जाएगा, 20 × यहाँ पर 18 = 10 × यहाँ पर 9 हो जाएगा ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सी का रेशियो है 10, यहाँ पर सी का रेशियो है 5, तो इसको अगर 10 बनाना चाहते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6 इस टू यहाँ पर 10 हो जाएगा ठीक है, मतलब C हो गया 10, यहाँ पर भी 10, B यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी देखिए 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं A इस टू B इस टू C इस टू D हो जाएगा, यहाँ पर A यहाँ पर 8 है, 8 ही लिख देंगे, B यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मतलब B का रेशियो है 6 और C देखिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो मतलब C का रेशियो है 10 और D का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 9 ठीक है।